जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सलेंट एकेडमी में। मैं शुभम सर और मेरे साथ चर्चा में उपस्थित हैं सुमन सर। हम लोग यहाँ आज इस वीडियो में यूपी पुलिस से संबंधित जो भी न्यूज चल रहा है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और यूपी पुलिस का, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि एक वायरल नोटिस जो हुई थी उसके अनुसार 11 फरवरी को परीक्षा होना है। अगले दिन अखबार में भी आप लोगों ने देख लिया कि 11 फरवरी को ही एग्जाम कराए जाने की संभावना उस अखबार में भी दिखाया गया। तो 11 फरवरी की डेट लगभग लगभग आ चुकी है, लेकिन फॉर्म अभी तक नहीं आया है। और फॉर्म भी अगर आएगा तो 15 दिन के अंदर फॉर्म को भरवा लिया जाएगा और आप लोगों के पास समय बहुत कम बचेंगे। ऐसी स्थिति में क्या वायरल न्यूज है, क्या सही बात है, इस पर हम लोग यहाँ पर जानना चाहेंगे। सुमन सर जी सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कि अगर ये जो जो नोटिस वायरल हुई है, जी इस नोटिस को आपने भी पढ़ा होगा, जी जी बिल्कुल। तो इससे क्या समझ रहे हैं आपकी ये नोटिस में, मतलब क्या बात उसमें कही गई है कि देखिए जी सर, जी मैं सर। इसमें ये कमेंट देना चाहूंगा, आजकल का जो समय है ना, हाँ इसमें कोई भी एक बार नोटिस आती है तो हाँ अचानक से उसे वायरल बना दिया जाता है। जी दरअसल बच्चों को अभी चाहिए, एग्जाम कब होना है उनको ये पता होना चलना चाहिए, इसीलिए अगर कोई भी उससे रिलेटेड एक न्यूज आती है तुरंत चर्चा का विषय बन जाता है। जी मेरा मानना है बच्चों को इन सब बातों पे विशेष ध्यान न देना चाहिए, चुपचाप अभी पढ़ाई करना चाहिए। अभी का जो नोटिस है वह सर इसलिए इम्पोर्टेंट है हाँ क्योंकि उसमें वो बताया जा रहा है जो इस डेट को एग्जाम हो सकता है, तमाम जिलाधिकारियों को यह बातें मांगी गई है शासन की तरफ से जो आप करवा सकते हैं या नहीं, बस इतनी ही सी बात है। और इसको लगातार प्रमोट किया जा रहा है, अभी जिलाधिकारियों ने इस बात का तय भी नहीं किया, उन्होंने अपनी ओर से जवाब भी नहीं दिया है, फिर भी इसे वायरल किया जा रहा कुल है। मिलाकर के ये नोटिस एक प्रकार से वायरल हो गई जो कि वायरल नहीं होनी हुई, चाहिए जी जी थी। जी सर अच्छा, बिल्कुल, तो सर मैं, जैसा कि आपने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ मांगा गया है, जवाब मांगा गया है जी डीएमओ से जी कि आपके यहाँ परीक्षा कराना संभव होगा या नहीं। जी सर तो सबसे बड़ी बात तो यही यहाँ पे सामने आ रही है कि उसी दिन लोक सेवा जी आयोग सर आरओ यारओ की परीक्षा ले रहा है बिल्कुल बिल्कुल और 10,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं उसमें, जी तो जाहिर सी बात है 10.5 लाख के आसपास लोक सेवा आयोग खुद ही परीक्षा लेने वाला है। और लोक सेवा आयोग कोई चलता फिरता आयोग तो है नहीं, नहीं जी सर, काफी बड़ा आयोग है। तो और सर क्या लोग ये भी तो देखिए, जो नोटिस वायरल हो रही है इसमें भी ये बातें कही गई है, जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है इसमें वो वही सेंटर पर परीक्षा करवाई जाएगी जहां पर यूपीएससी, यूपीपीएससी साथ ही यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता हुआ आया है, मतलब कोई नए सेंटर्स नहीं बनाए नहीं बनाए जाएंगे, जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि परीक्षा अच्छे ढंग से कराई बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल सर, कोई गड़बड़ ढंग से नहीं कराई नहीं जाएगी। जी तो ये तो संभव होगा नहीं, क्योंकि जी वही बात है सर, 10.5 लाख के आसपास, 10,69,000 लोगों ने अगर बिल्कुल फॉर्म भरा है बिल्कुल तो सर, 10.5 लाख का तो तैयारी कर रहा है तैयारी कर रहे यूपीपीएससी। हैं जी सर, और अब अगर यूपीपीआरबी अगर एग्जाम कराता है तो 25 लाख आवेदन कम से कम, क्योंकि 23 लाख आवेदन इसके पहले वाले में आए थे 2018 वाले जी में, जी जी 23 लाख आवेदन अगर पिछली बार आए थे तो 25 लाख के आसपास अब आने की चांसेस हैं। बिल्कुल, तो 25, 10, 35 लाख परीक्षा एक दिन में करा लेना क्या संभव हो हाँ पाएगा? सर, ये चुनौती बहुत बड़ी है और इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों को ये कहा गया है। अब देखने वाली बात यह है जो डीएम क्या कहते हैं इसके जवाब में, क्योंकि उन्होंने सभी जगह को यही आदेश दिया, जो आप अपनी राय दें, आप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते ये बताइए। और सर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नोटिस में इस बात की भी जोर देकर कही गई है जो हम एक ही पाली में कराना चाहते हैं, यानी शासन कहती है जो हम एक ही पाली में कराना है हमें। सर जैसा कि आपको भी याद होगा, जी 2018 में जो वैकेंसी आई थी ये अक्टूबर नवंबर के, अक्टूबर में जो है इसका वो जी नोटिफिकेशन आउट हो गया जी था, जी नवंबर तक फॉर्म भराए गए थे। नवंबर में जब फॉर्म भराए गए थे तब जाकर के इसका जो एग्जाम हुआ था वो मार्च अप्रैल के आसपास जी हुआ जी था। जी तो भी अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हुआ था मान के चलिए, जी 3 महीने का टाइम तो बच्चों को मिल गया था क्योंकि नवंबर तक तो फॉर्म ही भरा गया था। जी 23 लाख का एग्जाम कराया गया था, 3 महीने का टाइम लिया गया था, 25 लाख आवेदन इस बार होगा, वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, 60,000 के आसपास है। तो एक ही महीने में अगर 11 फरवरी डेट ही क्या है, अगर हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 तारीख है, 7 दिन आज बचे हुए हैं, जी जी और उसके बाद जो है आपका जनवरी भर का डेट है 11 दिन, और मतलब 30 से 40 दिन में क्या ये तैयारियां बिना किसी गड़बड़ी के अगर हो जाती हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए सर, अब इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। दरअसल
हम लोग सबके भी आयोग जो है उसे कोई अलग ना माने, वो मंगल ग्रह से नहीं आया, यही के और हमारे ही आपके जैसे लोग वहां भी काम कर रहे हैं। दरअसल सर ना ऐसा होता है जो बार बार हम अच्छा बनने की चेष्टा करते हैं, और यह हमारा कर्तव्य भी है, बनना चाहिए, करा लिया जाए ये अच्छी बात है, लेकिन करा लेने में चुनौती कितनी है इसे नजरअंदाज नहीं किया सकता। और आज तो हम यही कह सकते हैं संभव नहीं प्रतीत हो रहा है, करा लिया जाएगा तो ये बड़ी बात होगी। तो आयोग के पास ऐसी क्या मजबूरी है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम करा लिए जाए? क्या बच्चे कहीं भाग जाएंगे? नहीं सर, भाग नहीं जाएंगे, लेकिन तमाम जो अन्य स्टेट है वो जल्दी जल्दी दे रहे हैं, इन पर हमेशा से आरोप लगाया जा रहा है जो आप जल्दी एग्जाम नहीं क्लियर करवा पा रहे हैं। अभी बिहार में देखा आपने, तमाम एग्जाम बहुत तेजी से कराया गया, ये इन पर दबाव है और शासन की तरफ से भी ये दबाव दिया जा रहा है आयोगों के ऊपर जो आपको जल्दी से चीजों को फिनिश करनी है। लेकिन बच्चों को तैयारी करने के लिए एक समय तो देना चाहिए सर। देखिए हमेशा, और बच्चे भी हमेशा, मैं इसमें कमेंट करना चाहूंगा, बच्चे भी हमेशा ये गलती करते हैं, वो एग्जाम के डेट का इंतजार करते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ भी द एक्सलेंट एकेडमी में बैच चल रहा है, आप देखते होंगे जब हम लोग एग्जाम के साथ ही एक कोर्स क्रैश कोर्स करते हैं उसमें बच्चे दौरे भागे आते हैं और कहते हैं जो सर मुझे 2 दिन में 4 दिन में तैयारी करवा दो। मैं उन बच्चों को देखता हूँ, मुझे हंसी आती है, जो हमारे यहाँ 365 दिन जब क्लास रन होती है आप आते नहीं हो, एग्जाम के समय आते हो तो मेरे पास जादू की छड़ी तो है नहीं, मैं रख दूंगा और आपका एग्जाम क्लियर करवा दूंगा, फिर भी जितना हो सकता मैं करता हूँ। लेकिन सर हम लोग ये चाहते हैं जो बच्चे जो आज कर रहे हैं, जो आज उनके पास तो पहले से ही तैयारी में अगर लगे रहे तो ज्यादा अच्छा। जी सर बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ी सी एक चीज यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कई बच्चों को एज लिमिट को लेकर के दरकरार है कि एज लिमिट, जैसे मान लीजिए अगर दिसंबर में ही 25 दिसंबर को एग्जाम की डेट आ जाती है तो अप्लाई होने लगता है। तो यूपी पुलिस तो हमेशा ऐसा ही करता है कि अगर 2023 में ही वैकेंसी निकालता है, चाहे वो 25 दिसंबर की डेट हो चाहे वो 31 दिसंबर की डेट हो, तो वो जो डेट लेगा वो आपका जुलाई से लेगा, 1 जुलाई को आपकी आयु 23 साल तक होनी चाहिए। लेकिन अगर उसने जनवरी में निकाल दिया, 1 जनवरी को निकाल दिया, तो जाहिर सी बात है ये 6 महीना आगे भाग जाएगा और ये 1 जुलाई 2024 को 18 साल लेने लगेगा। जी जी जी। तो देखा जाए तो अगर जनवरी में आता है तो 17.5 साल वाले बच्चे का फायदा हो जाएगा। जी जी। और अगर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के बीच में आता है जी, तो जो बच्चे 23.5 साल की उम्र में भाग रहे हैं उनका फायदा हो जाएगा, 23 की उम्र में जो भाग रहे हैं। जी जी जी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि किनको फायदा मिलने वाला है? देखिए इस पर तो मैं आपका राय विशेष रूप से ही जानना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है जो ये फॉर्म जो आ रहा है इसमें चुनावी राजनीति को भी जरा ध्यान देना होगा, तो इसमें ये बैक वाले बच्चों को ही फायदा दिया जाएगा, डेट इस बार 24 वाला नहीं रखा जाना। मैं भी सर ऐसा ही चाहूंगा क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको तो आगे भी मौका मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो अगर उन बच्चों को मौका न दिया गया तो बिल्कुल सर, पिछले 2018 से लेके 2023 तक तो आपने वैकेंसी निकाली नहीं। जी जी। और निकाली तो उनको बाहर करना एक ठीक बात नहीं होगा। जी सर बिल्कुल। तो जहां तक मुझे लग रहा है सर 11 तारीख को परीक्षा कराना संभव नहीं है सर। अगर सर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो आप क्या बताना चाहेंगे? सर मैं इसे कहूंगा 10% चांस है 11 फरवरी को होने का। अच्छा सर, क्या ऐसी भी संभावना है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा को रोक करके? नहीं नहीं सर, ये तो कतई नहीं कहा जा सकता है। अच्छा। लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस वाली जो आयोग है, जो बोर्ड है, इन दोनों के बीच में यहाँ अंतर। अगर यूपीपीसीएस वाली और UP SSSC की भी बात करें वो यहाँ है तो वो नीचे है, बहुत नीचे है। और सर इसीलिए तो अच्छा सर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अभी जो चीजें मांगी गई है बस उनसे कहा गया था आप बताइए उस दिन पेपर करवा सकते हैं या नहीं, उनके जवाब का भी इंतजार नहीं किया गया है और वायरल कर दिया गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो अभी तो कन्फर्म है ही नहीं, फिर भी लोग हमेशा देख रहे हैं, आजकल थंबनेल बन रहा है जो क्या हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और हो रहा है ये नहीं पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर बच्चे 11 फरवरी को डेट को लेकर के हैं तो ये ज्यादातर चांसेस यही मान के चलिए कि परीक्षा इस तारीख को कराना जो नियम है, और नियम के अनुसार अगर सब कुछ होता है और व्यवस्था के अनुसार अगर कुछ होता है तो 11 तारीख को संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी अगर रिस्क लिया जाता है तो 11 को हो सकता है, तो फॉर्म भी आपका 1-2 दिन में आ ही जाएगा, दिसंबर के पहले पहले मुझे लग रहा है, खत्म होने के पहले पहले आ जाएगा, और आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सर मैं इसमें एक और कमेंट चाहूंगा,
11 फरवरी को भी होता है, तो इसमें बच्चों को परहेज नहीं होना चाहिए, उन्हें एग्जाम देना है वो कस के तैयारी करें। दूसरी बात, अगर नहीं भी होता है तो क्या आप ढीले बन जाएंगे? मेरा ये कहना है सर, नहीं, तो नहीं। आपको एकदम अच्छा, हाँ, आप शुरू तो हो जाना चाहिए, प्रतिदिन सोचिए कल पेपर होने बिल्कुल, वाला है, बिल्कुल, तो अभी से जी जान लगाकर आपको मेहनत करनी चाहिए बिल्कुल। और एग्जाम को बस एक बार देखिए, हाँ कब हो रहा है, बहुत ज्यादा तनाव कभी नहीं लेना चाहिए सर एग्जाम को लेकर, जो कब होना चाहिए पेपर नहीं होना चाहिए, वो आएगा, वो आयोग है वो लेगा ही, तो उसमें आपको बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, तो इसीलिए सर मैंने आपको आज आमंत्रित किया था, थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद आपका। स्टॉप सर।